समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वह इंडिया गठबंधन के मुजफ्फरनगर से लोकसभा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक हमारे साथ मौजूद है। सर, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रही है और 2024 के चुनाव का समीकरण? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है सम्मान। हमारे यहाँ का मतदाता यानी कि नागरिक सम्मान पसंद है और पिछले 10 साल में सम्मान गिरा है। प्रधानों को मजबूर किया गया उनके फोटो लगावें, प्रमुखों को मजबूर किया जाता उनके शिलापट पर नाम लिखे उनके फोटो लगावें, जिला पंचायत अध्यक्ष को मजबूर किया जाता उनके फोटो लगावें। सहकारिता के चुनाव हो चाहे लोकल बॉडीज के चुनाव हो, पर्चे खारिज कर दिए जाते हैं। हम लोगों का सम्मान जिंदा करेंगे। हम सब जानते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का व्यक्ति पहले सम्मान चाहता है, बाद में कुछ और काम चाहता है, तो उनको सम्मान लौटाया जाएगा, उनका सम्मान वापस किया जाएगा। ये सबसे पहला प्रयास। किसानों का क्या हिसाब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माना जा रहा है? मुजफ्फरनगर में दो जाट नेता आप संजीव बालियान और आपके बीच टक्कर है। देखिए, बड़ी सीधी सच्ची सी बात है, हम राजनीतिक लोग हैं। मैं जाट हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, सच्चाई है। परंतु उसके साथ साथ मेरे साथ पार्टी का भी बंधन होता है। हम संविधान के मुताबिक काम करते हैं, हम चरण सिंहवादी लोग हैं। हमें चौधरी चरण सिंह ने जो सिखाया उसके अनुसार हिंदुस्तान की राजनीति में हम लोग स्थापित हुए। मेरा मानना है कि अगर स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ना होते तो गांव गरीब का, किसान का बेटा, कभी मजदूर का बेटा, छोटे व्यापारी का बेटा या मास्टर कभी राजनेता ना बन पाता। ये चौधरी चरण सिंह की देन है और उसी नीतियों पर चल करके हम लोगों की सेवा करते हैं। हम उन लोगों में से नहीं है जो चुनाव जीतने के बाद धनाढ्य हो जावे। हम लोग तो जैसे पहले थे कुछ घटे हैं, बढ़े नहीं है। तो हमारे यहाँ हम चरण सिंहवादी नीतियों को लेकर के चल रहे हैं। दूसरी पार्टी जो हमारे खिलाफ लड़ रही है चुनाव, वो तो फासिस्टवादी ताकतों का एक समूह है मेरे हिसाब से। और चूंकि आज़ादी की लड़ाई में चौधरी चरण सिंह तो खुद जेल यात्री रहे, स्वर्गीय माता जी भी जेल गई और भाजपा कोई नेता जेल नहीं गया, तो ऐसी स्थिति में ये कहना तो गलत है कि हम दोनों एक उसके हैं। हमारा तबका अलग है, हम कमेरों को रिप्रेजेंट करते हैं, भाजपा का तबका अलग है, वो लुटेरों को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, संजीव बालियान दो बार के सांसद यहाँ वर्तमान में मौजूदा है, NDA का गठबंधन अभी RLD से भी हुआ है, तो क्या स्थिति मानते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? जो रालोद थी उसकी कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर में पकड़ जिस तरह के से मजबूत होती जा रही थी? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल हमारे साथी थे। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल एक वटवृक्ष की दो शाखा थी, यानी कि चरण सिंह के अनुयायियों द्वारा बनाई गई दो पार्टी हैं, अलग अलग पार्टी है। शाखा टूटती है तो दुख होता है, परिवार टूटता है दुख होता है, परंतु मैं जानता हूँ कि चरण सिंहवादी कोई भी व्यक्ति हो वो भाजपा को हराने के लिए पूरी कमर कस के हमारा साथ देंगे, हमारे साथ रहेंगे। मजबूरी हो सकती है, कोई परेशानी हो सकती है, कोई बात हो सकती है, कोई फैसला उन्होंने लिया वो अपने हिसाब से लिया, ठीक सोच के लिया होगा उन्होंने, जो लिया वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चाह फैसला ले, परंतु जो विचारधारा है चरण सिंह वादियों के सामने 4-5 मुद्दे बड़े कैडे हैं। सबसे पहला मुद्दा है कि जिस शख्सियत को आज भारत रत्न दिया गया, अच्छा होता कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत रत्न के साथ साथ ये भी माफ़ी मांग लेते कि हमारा पाप, हमसे एक पाप हुआ था जब इनका सामान 12 तुगलक रोड से उठा करके फेंका गया था, जो ऐतिहासिक भूल थी। हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक किसी पूर्व प्रधानमंत्री का सामान इस तरह नहीं फेंका गया। वो ये भी क्षमा मांग लेते कि हमारी गलती हुई कि हम आज तक स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की समाधि पर पुष्पांजलि के लिए नहीं गए, वो भी मांग लेते। अरे, भारत रत्न तो आपने दिया, क्या पहले आपने छोटे स्तर के लोगों को भारत रत्न दे दिया था, अब भारत रत्न से चौधरी चरण सिंह का सम्मान नहीं बढ़ा, वो तो पहले ही किसान मसीहा है। सम्मान बढ़ा है तो भारत रत्न का बढ़ा है। जो चरण सिंह के जो अनुयायी है भारत, वो चौधरी चरण सिंह को भगवान के बाद दूसरी चीज मानते हैं। दूसरी स्थिति ये है कि वो किसान ये भी नहीं भूले कि जब हरिजन लड़की के साथ बलात्कार होता है और उसकी हिमायत में जब राजनीतिक लोग जाते हैं उन्हें लाठियों से पीटा जाता है, ये कौन भूल गया? क्या चरण सिंहवादी लोग ये भूल गए कि 19 के चुनाव में जबरदस्ती चौधरी चरण सिंह को
जो बड़े किसान नेता थे, और बागपत सीट को जबरदस्ती बेईमानी से हरा दिया था। बागपत लाठी फटकार के बाहर भेज दिया था, यहाँ वो पोस्टल वोट एक तरफ रख दी थी सारी। तो जो 19 का बेईमाना है उसको भी चौचरण सिंह वादी नहीं भूल पाए, इसे भी नहीं भूल पाए। दूसरा, फिर चौचरण सिंह वादी सब किसान है, 750 किसानों की शहादत है यार। पश्चिम का आदमी कभी अपमान बर्दाश्त नहीं करता। हमारे यहाँ जो गांव में झगड़े भी होते हैं उनमें ज़्यादा तादाद बहन बेटियों की इज्जत को लेकर को होती, उस पर समझौता नहीं होता। क्या हम किसान भाई ये भूल गए कि उनकी बेटियों के मुंह पर दिल्ली पुलिस ने जूता रखा? उन बेटियों के मुंह पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का ध्वज फहरा करके आई थी, अरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनके लिए माफ़ी मांग लेते, किसानों की शहादत पर माफ़ी मांग लेते। आज भी पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर दिल्ली के देश की राजधानी दिल्ली में आने के लिए किसान जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने दीवार बना दी कटी दी, और ड्रोन से, शायद इतिहास में पहली बार ड्रोन से गोले छोड़े गए होंगे। तो इस जालिम के साथ चरण सिंह वादी तो जा नहीं सकता, और जो चरण सिंह वादी नहीं उसके बारे में कुछ कहता नहीं। मुजफ्फरनगर की जनता से इस लोकसभा चुनाव को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे? हमारी ये अपील है कि सम्मान बचाने, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, विकास कराने के लिए, और रोजगार नौजवान को मिले इसके लिए उनका आशीर्वाद, स्नेह, सहयोग मुझे मिलना चाहिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं साफ सुथरी राजनीति करता हूँ। हम निश्चित रूप से उनकी लड़ाई सड़क से लेकर के संसद तक लड़ेंगे, और संसद में बैठ करके हम लड़ाई लड़ेंगे। इतिहास गवाह है, जब मैं संसद में पहले था मुझे सर्वोच्च सदन में जाने का मौका मिला था, तो मैंने तब भी जा करके जो मैं कर सकता था, चाहे रेलवे का मॉडल स्टेशन बनवाना हो, चाहे डबल ट्रैक बनाना हो, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन कराना हो रेलवे का, वो हमने किया। हम काम करते हैं, लफाजी नहीं करते। तो ये थे हमारे साथ हरेंद्र मलिक, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के कद्दावर नेता माने जाते हैं। इनका साफ तौर से यही कहना है कि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को जो दिया गया है वो रत्न, बल्कि चौधरी चरण सिंह को रत्न नहीं मिला, बल्कि भारत रत्न का कहीं ना कहीं मान चरण सिंह को मिलने के बाद बढ़ा है। सचिन त्यागी, भारत समाचार, मुजफ्फरनगर।